मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी गिरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि गाय व भैंस में हेमोरेजिक शिफ्टोसीमिया नाम की बीमारी होती है, जिसको गला घोटने की बीमारी कहते हैं, क्योंकि यह कंडीशन हार्ट एंड यूनिट की क्लाइमेट होती है, जिसको गर्म व नम कहते हैं, जिसके लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है, जो कि मई महीने से शुरू है। अभी तक 4,00,000 वैक्सीनेशन कर चुके हैं। अभी 31,000 वैक्सीनेशन और होना है, जिसको एक हफ्ते में पूरा कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी गिरेंद्र कुमार सिंह ने कहा, देखिए मुख्यतः बरसात के सीजन में हमारे गौवंश में, खास करके गाय भैंस में, और हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया HS, जिसको कि आम भाषा में गला घोंटू की बीमारी कहते हैं, इसकी होने की संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि ये कंडीशन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होती है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट का मतलब गर्म और नम जलवायु। तो इसमें इसके लिए हम लोगों ने वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया है, और ये वैक्सीनेशन मई माह से ही हमारा चालू है। इस समय हम लोग लगभग 4,00,000 वैक्सीनेशन कर चुके हैं। हमें 31,000 वैक्सीनेशन होना है, जो 4 दिन के अंदर, वो भी 4,31,000 वैक्सीनेशन कंप्लीट है।